भारतीय जनता पार्टी के समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ता, यहां उपस्थित मेरे प्यारे मित्रों, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे भाइयों, सबसे पहले तो इस मातृशक्ति को प्रणाम करना चाहता हूं। आप माताओं को, बहनों को, किसी भी सभा में, पूरे राजस्थान की सभा में अगर आदमियों से ज्यादा औरतें अगर इकट्ठी हुई होंगी तो यहां इस सभा में सबसे ज्यादा महिलाएं, राजस्थान भर में सबसे ज्यादा महिलाएं, पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी ऐसी सभा होगी जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा होगी। और ये किस लिए हुई है? ये कोई महिलाएं अपने घर का काम छोड़कर ऐसे नहीं निकलती। ये इसलिए हुई है कि मैंने 10 वर्ष के कार्यकाल में इस मातृशक्ति को इनके साथ होने का, इनका भाई होने का, इनका बेटा होने का ये प्रमाण दिया। अगर किसी ने मुझको रात को 12 बजे कॉल किया, भाई खून की जरूरत है तो खून की जरूरत पूरी कराई। अगर किसी ने कहा भाई डॉक्टर की जरूरत है तो डॉक्टर की जरूरत पूरी कराई। किसी ने कहा पुलिस की जरूरत है तो पुलिस की जरूरत पूरी कराई। और किसी ने कहा प्रशासन की जरूरत है तो प्रशासन को उनके दरवाजे पर ले जाकर खड़ा करने का काम आपके इस भाई ने किया। आज जहां हम खड़े हैं, मैं मंच पर बीच में इसलिए आया हूं कि आपका जोश मुझे लग रहा था थोड़ा सा कम हो रहा है। मैं एक तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो मेरे भाई सामने खड़े हैं, अरे भाई इधर आ जाओ, पंडित जी महाराज आप सबको लेके इधर आ जाओ। और जो साइड में खड़े हैं दोनों तरफ, ये जितने लोग बैठे हैं उससे बड़ी संख्या साइड में खड़ी है, पीछे तक खड़े हैं, सबसे मेरा निवेदन है मुख्य सभा स्थल पर आ जाओ और बैरिकेड के अंदर हो जाओ प्लीज। बहुत तेजी से चलता हुआ ये, आइए आइए, स्वागत है आपका अशोक भाई बेलाका की बहुत बड़ी संख्या में। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में बेलाका के लोग अशोक भाई के नेतृत्व, हमारे सरपंच साहब के नेतृत्व में पधार रहे हैं। आपका सबका बहुत जोरदार स्वागत करता हूँ मैं। आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, सुनिए आप। ये सरपंच साहब जो अभी एंट्री कर रहे हैं, टोपी वाले सरपंच साहब अशोक जी, ये अशोक जी सरपंच, जब मैं दूसरी बार MLA बना था तो ये यहाँ बेलाका के सरपंच बने और ये बेलाका हमारी नई पंचायत बनी। जब ये सरपंच बने तो इनको लगा पता नहीं विकास कैसे होता होगा। ये मुझसे कहने लगे, भाई साहब मैं तो नया नया सरपंच, अशोक ऊपर आ जाए एक बार शक्ल दिखा दे सबको। ये अशोक कुमार हमारा बेलाका का टोपी वाला हमारा सरपंच है, एक बार जोरदार ताली बजाओ सब लोग अशोक कुमार के लिए। ये मुझसे कहने लगा भाई साहब विकास कैसे होता है मैं नहीं जानता, मेरे लिए सब कुछ नया है। मैंने कहा अशोक कुमार विकास कैसे होता है ये तेरा ये बड़ा भाई बताएगा, और तुझको तेरे क्षेत्र की जनता ये कह देगी कि अब इससे ज्यादा विकास के हमारे पास कोई जगह नहीं बची जहां एक भी ईंट लगा सके। इतना विकास मंच पर खड़ा होकर कहता हूं, अगर बेलाका के लोग यहां मौजूद हैं तो वो एक बार ताली बजा कर बताए मैं सही बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। आपके सामने का गोविंद नगर, आपके सामने का सोना विहार, आपके सामने का दयानंद नगर, जहाँ की सारी मातृशक्ति, सब की सब महिलाएं एक एक टेलीफोन पर अपने भाई के समर्थन में यहाँ आकर खड़ी हो गई हैं। जब दयानंद नगर के लिए अलवर की UIT ने कहा कि दयानंद नगर टूटेगा, पूरे पर बुलडोजर चलेगा, दिवाली का टाइम था, मैंने कहा अगर बुलडोजर चलेगा तो पहले बनवारी लाल सिंगल के सीने पर चलेगा, उसके बाद मेरे क्षेत्र के लोगों के मकानों पर चलेगा। और उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ, वही दयानंद नगर है, पूरे दयानंद नगर में पानी की लाइन, बिजली की लाइन, सड़क और दूसरी जितनी भी सुविधाएं होती है सारी सुविधाएं आपके भाई ने इस एग्रीकल्चर क्षेत्र में कराकर, टूटना तो दूर की बात है, सबको पट्टे दिलवाने का काम किया। जवाहर नगर से हमारे कुसुम जी के नेतृत्व में बहुत सारी महिलाएं आई हैं, नीचे बैठी हैं कुसुम चौधरी। जवाहर नगर में 30 साल से पट्टे नहीं मिलते थे, मैंने कहा मैं जवाहर नगर के पट्टे दिलवाऊंगा। और जब ये सुरेंद्र गोयल जी यहाँ उद्घाटन करने आए थे पानी की लाइन का, टंकियों का, तब मैंने कहा था UIT के अधिकारियों को बुलाकर कि आपको यहाँ
मैंने कहा पट्टे दिलवाऊंगा, यूआईडी ने कहा इनमें विवाद है, मैंने कहा जिसके घर को 20 साल 25 साल 30 साल हो गए उसमें कोई विवाद नहीं है, आप इन सबको पट्टे दीजिए, अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ होगी तो मेरी जिम्मेदारी है, बनवारी लाल सिंघल इन जवाहर नगर वाले लोगों का गारंटर है, आप इनको सबको पट्टे दीजिए। और आज मैं आराम से कह सकता हूँ, आत्मसम्मान से कह सकता हूँ, अधिकतम लोगों को पट्टे मिले। इसके अलावा ये जो क्षेत्र जहाँ आप देखते थे रोजाना लोग कहते थे भाई साहब गुंडागर्दी से परेशान है, आप बताओ मैं गलत कह रहा हूं क्या? मैंने कहा गुंडा मुक्त शासन दूंगा अलवर को, बताइए दिया कि नहीं दिया मैंने गुंडा मुक्त शासन इस अलवर को। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये आपकी ये जो सभा मैंने यहां रखी है, इस सभा को रखने के पीछे मेरा क्या कारण है? इस सभा को पीछे रखने का मेरे मित्रों कारण है, मुझको पता था ये मातृशक्ति इतनी बड़ी संख्या में आएगी, वरना मैं चुनौती देता हूं कोई भी दूसरा नेता इस मैदान में इतनी बड़ी सभा करके दिखा दे, मैं किसी को छोटा नहीं आता, लेकिन मैं कहता हूं इतनी बड़ी सभा करने की हिम्मत किसी की नहीं है, क्योंकि ये सब मेरे लोग हैं, ये किसी दबाव में नहीं बुलाए गए, कोई दो पैसे देकर नहीं बुलाया गया, ये सब वो लोग हैं जो बनवारी लाल सिंघल के प्यार के कारण से उठकर आए हैं। मैं आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं, बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए आप जरा, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो क्षेत्र है लोग कहते थे जब मुझसे पहले के विधायक थे, अब मुझसे पहले विधायक कौन थे? अलवर के राजा मुझसे पहले विधायक थे, अलवर के राजा मुझसे पहले विधायक थे, और अब भी 5 साल का मुझको विराम मिला है, रेस्ट मिला है, क्योंकि मैंने लगातार काम किया। अलवर की आप जनता ने सोचा होगा ये 24 घंटे काम करता है, ना पत्नी की परवाह करता है, ना बच्चों की परवाह करता है, ना परिवार की परवाह करता है, चलो 5 साल का रेस्ट दे दो, लेकिन अब जनता कह रही है अब की बारी। साथ में क्या बात हो रही है, हमारी पार्टी सर्वे करवा रही है, भारतीय जनता पार्टी सर्वे करवा रही है, बहुत सारे सर्वे हो गए, लोग क्या कहते हैं सर्वे में, लोग कहते हैं भाई साहब जब सर्वे वाले आते हैं और वो पूछते हैं कांग्रेस भंवर जितेंद्र सिंह को चुनाव लड़ा सकती है, तो लोग एक जवाब देते हैं फिर तो बनवारी लाल सिंघल ही है सामने और कोई नहीं है। क्या कहते हैं, अगर भंवर जितेंद्र मैदान में आता है तो कौन है? यानी आप लोगों का प्यार और आप लोगों का विश्वास मेरे ऊपर कितना है कि अगर भंवर जितेंद्र सिंह भी अलवर के मैदान में आते हैं तो मैं आपकी ताकत पर भंवर जितेंद्र सिंह को भी सामना करने की स्थिति में हूं। अहंकार की बात नहीं करता मैं, आपके प्यार और स्वाभिमान की बात करता हूं, जो आपने मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया है मैं उसकी बात करता हूं। सामने प्रत्याशी कोई भी आएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपके भाई को प्रत्याशी बनाया तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं अब की बार 1 लाख पार, अब की बार का, पिछली बार हमने 62,000 का आप लोगों ने इतिहास बनाया था, राजस्थान की सबसे बड़ी जीत थी। और मैं दावे से कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी आपके भाई को अगर विश्वास करके अलवर शहर का प्रत्याशी बनाएगी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आइए माय डियर, आ जाओ भाई आ जाओ, मैं कहता हूं अब की बार अगर भारतीय जनता पार्टी आपके भाई को प्रत्याशी बनाती है तो मैं दावे से कहता हूं इस राजस्थान की सबसे बड़ी जीत अगर होगी तो अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र 66 नंबर से होगी। अभी मैं जब यहां शाम को आया था 10-20-25 लोग थे, हमारे गोविंद नगर के हमारे बाबूजी कह रहे थे भाई साहब विकास हमने आपके आने के बाद देखा। मेरा एक भाई रमन खड़ा है, रमन जरा ऊपर आना जरा, ये रमन है देवड़ा का, रावण देवड़ा का रहने वाला है, ये गुजर है, अभी मैं आपको अगर इसके मुंह से कहलवाऊं तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे। 70 साल से रावण देवड़ा गाँव में एक रोड़ी विकास की नहीं लगी थी, एक रोड़ी, 1.50 पैसे का विकास नहीं हुआ था, ये रमन है इससे अपने मुंह से पूछना, एक रोड़ी नहीं लगी थी। इन्होंने मुझसे आकर कहा भाई साहब एक भी सड़क नहीं है, पूरे गांव में सीसी रोड का ऐसा जाल बिछाया जैसे कोई यूआईटी की भी कॉलोनी नहीं हो सकती। बहुत से फॉरेस्ट के लोग आए, उन्होंने आकर कहा भाई साहब ये जमीन फॉरेस्ट की है, इस पर सड़क नहीं बनेगी। मैंने कहा इनका मौलिक अधिकार है, ये गांव को सिर पे रख के नहीं ले जा रहे, यहां सड़क बनेगी, रोकने वालों का ट्रांसफर करा के बनेगी,
या तुम्हारी मौजूदगी में बनेगी, सड़क यहाँ बनेगी। और मैं दावे से कहता हूँ पूरे गांव में एक जैसी सड़क जो चमचमाट करती है ऐसी सड़क बनाकर दी। इसके बाद मैं आपको कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने कहा भाई साहब पानी की समस्या है, मैंने कहा इसकी भी चिंता मत करो, आपका भाई मौजूद है, फॉरेस्ट का एरिया है, पानी का बोरिंग लगा दिया। जैसे ही राज बदला बोरिंग मैंने बिजली के पैसों समेत दिया था, बिजली के कनेक्शन समेत दिया था, लेकिन जैसे ही राज बदला डिपार्टमेंट ने बेईमानी कर ली, डिपार्टमेंट ने चोरी कर ली मेरे पैसे की, और डिपार्टमेंट ने बोरिंग में कनेक्शन नहीं लगाया। इन्होंने कहा भाई साहब पानी चाहिए, मैंने कहा कोई बात नहीं है, तुम भी जनता के हो, दुनिया को भी सरकार फ्री में सब कुछ बांट रही है, तुम भी ऊपर लट्टे पे कनेक्शन लगा दो, अगर कोई आएगा तो तुम्हारा भाई देखेगा उसको। आज 5 साल हो गए आराम से, सरकार छूट देती है ना, सरकार फ्री में भी बहुत कुछ बांटती है ना, अगर हमने एक बोरिंग बिजली का चला दिया तो क्या फर्क पड़ गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं बीच में मंच पर इसीलिए आया हूं कि लोगों को ये पता लगे काम कैसे होते हैं। काम तो कराने वाले में दम होना चाहिए। मैंने कभी ये रोना नहीं रोया मेरी सरकार नहीं है, ना मैं ये कहता हूं सरकार किसकी होती है, सरकार विधायकों की होती है, सरकार पक्ष विपक्ष की नहीं होती। जिस विधायक के पैर में दम होता है ना, पैर में जूता नहीं बोल रहा हूं मैं, जिस विधायक के पैर में दम होता है, जिस विधायक के बाजुओं में दम होता है, कोई अधिकारी उसके काम को रोक नहीं सकता। मैं दावे से इस मंच पर खड़ा होकर कह रहा हूं, मैं रोजाना जन सुनवाई करता था, रोजाना जन सुनवाई करता था। 8 दिसंबर 2008 को मैं विधायक निर्वाचित हुआ था पहली बार। मैं आपको बड़े दावे के साथ कहता हूं 8 दिसंबर 2008 को निर्वाचित हुआ और 9 दिसंबर यानी 24 घंटे के अंदर मैंने अपना विधायक का कार्यालय खोल के जन सुनवाई का केंद्र चला दिया। किसी भी व्यक्ति को दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं थी, जन सुनवाई केंद्र में आओ, अपनी बात कहो। और उसके बाद विधायक अपने आप अधिकारियों को कहते थे, बनवारीलाल सिंगल कहता था इस बहन का इस भाई का ये काम हो जाना चाहिए, और वो काम होता था। बताओ होता था कि नहीं होता था? अगर हम ये कहें हमारी सरकार नहीं है, अरे भैया सरकार तो ताकतवर लोगों की होती है, पार्टी वार्टी कुछ नहीं होती, सरकार ताकतवर विधायकों की होती है, जिसकी मुट्ठी में दम होता है सरकार उसके आगे चलती है। मेरे घर पर रोजाना आपने देखा होगा सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र में काय की है, पानी की। मेरे घर पर सुबह सुबह 2 AN सुबह सुबह मेरी जनवर सुनवाई से पहले सामने कुर्सी पर बैठे होते थे, जो जनता पानी की समस्या लेकर आती थी सबसे पहले उसकी सुनवाई करवाता था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कुछ कर्मचारी भाई भी होंगे, कुछ रिटायर्ड लोग भी होंगे, मैं आपको एक बात बड़े स्वाभिमान के साथ कहना चाहता हूं, लोग आज भी कांग्रेस की सरकार है, किसी की बेटी किसी का बेटा किसी का भाई किसी की पत्नी किसी का पति अगर बाहर पोस्टेड है अलवर से तो लोगों ने रेट तय कर रखी है। धिक्कार है उन लोगों को, इस सरकार को, जिसमें अशोक गहलोत के सामने बिरला ऑडिटोरियम में शिक्षा मंत्री के सामने राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पूछा था पिछली सरकार में पैसे लगते थे ट्रांसफर के, अरे भाई टीचर लोग बताओ अब भी पैसे लगते हैं क्या? सारे टीचर्स ने कुर्सी पर चढ़कर कहा साहब पिछली सरकार में नहीं लगते थे, इस सरकार में कांग्रेस की सरकार में एक भी ट्रांसफर बिना पैसे के नहीं होता है। अरे भैया मैं एक बात कहता हूं, शिक्षा देने वाला अध्यापक जो भगवान का स्वरूप होता है, शिक्षा देने वाला अध्यापक जो भगवान का स्वरूप होता है, आप उससे पैसे खाओगे? मैं दावे से कहता हूं उस भरे मंच पर, अगर कोई एक आदमी ढूंढ के लिया हो पूरे अलवर जिले में से जो ये कह दे कि मैंने बनवारीलाल सिंगल को या मेरे कार्यकर्ता को 1 रुपया दे दिया, तो 1 रुपये के बदले में 1 लाख रुपए का भुगतान आपका ये भाई इसी मंच पर करने की स्थिति में है। हमने पारदर्शी शासन दिया, हमने ईमानदार शासन दिया, हमने पुलिस के अधिकारियों को यह कह रखा था किसी भी व्यक्ति को नाजायज परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। चौराहों पर मोटरसाइकिल की जांच कर सकते हो, लेकिन किसी भी मोटरसाइकिल को पहली बार पकड़े जाने पर चालान करने की आवश्यकता नहीं है। शहर में से इंस्पेक्टर राज का खात्मा हमने किया, शहर में से गुंडा राज का खात्मा हमने किया। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इस क्षेत्र में मैंने यहां मीटिंग करने का मेरा जो सबसे ज्यादा मानस था, जब हमारे जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी ने कहा भाई साहब मीटिंग कहां करेंगे आप, मैंने कहा मैं करूंगा मेरी इच्छा से झनकार होटल के पास करूंगा, क्योंकि मेरा अंबेडकर समाज अधिकतम आसपास के क्षेत्र में निवास करता है। अंबेडकर समाज यानी मेरा दलित समाज खुदनपुरी में रहता है, दिवाकरी में रहता है, बेलाका में रहता है, पालक
कलकत्ता में रहता है, कबीर कॉलोनी की बहनें आई हैं, सेठ की बावड़ी की बहनें आई हैं, पूरे शहर से स्कीम नंबर 10 की बहनें आई हैं, पूरे शहर से हमारा अंबेडकर समाज अपने इस भाई की आवाज को बुलंद करने के लिए या कितनी बड़ी संख्या में आया है। आप सबकी बाबा अंबेडकर जी की जय बोलते हुए सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूँ। बोलिए बाबा भीमराव अंबेडकर की, बाबा भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से एक छोटे से आह्वान पर बिना किसी, ऐसा होता है लोग बाग कहते हैं साहब रागनी बुला ली, किसी ने भजन गाने वाले बुला लिए, किसी ने डांस करने वाले बुला लिए और उसके बाद भी कहते हैं भाई साहब पता नहीं क्या हो गया, क्या जादू फिर गया, रागनी भी गवा ली, डांस भी करा लिया, और हमने तो ना रागनी बुलाई, ना कोई भजन वाला बुलाया, ना कोई डांस वाला बुलाया, ना हमने जाके किसी के घर पर कहा। मैं ये हम अहंकार की बात नहीं कर रहा, आपके प्यार की बात कर रहा हूं। 3 दिन से घर के अंदर बैठ के अपनी पत्नी को भी कह दिया चुपचाप चाय ला के रख दो और भोजन का टाइम हो जब भोजन ला के रख दो, अपने शहर के लोगों को टेलीफोन पर निमंत्रण दूंगा, और सारे लोगों को 3 दिन से टेलीफोन कर रहा था। बताओ गलत बात है कि सही बात है? सब लोगों ने मेरे टेलीफोन के निमंत्रण को, सब लोगों ने मेरे टेलीफोन के निमंत्रण को स्वीकार करके इस अलवर का इतिहास बनाने का काम किया है। मैं आपको दावे से कहता हूं इस अलवर को फिर से हम वो शासन देने का अपना संकल्प दोहराते हैं। आने वाला समय सभी जितने भी इस अलवर के निवासी हैं आप सबके सहयोग से फिर इतिहास बनाएंगे, और इतिहास बनाकर आपको बताता हूं अलवर में विकास कैसे होता है। अलवर का विकास अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो उसका क्या हम करते हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं। एक दो बार मेरे सामने ऐसी स्थिति आई थी, बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए अधिकारी, अलवर में जिला कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे हुए अधिकारी ने मुझको कुछ बताने का प्रयास किया। मैंने कहा कलेक्टर साहब मुझको बताने की जरूरत नहीं है, बनवारीलाल सिंगल पहले नियम पढ़ता है उसके बाद आपसे बात करता है, मैं अपनी जनता के काम के लिए अगर आपसे बात करता हूं तो मैंने नियम पढ़ रखा है, मैंने कानून पढ़ रखा है, मैं उस नियम और कानून के तहत आपसे काम की बात करता हूं। अगर इसके बाद आप काम नहीं करेंगे तो फिर मुझको काम कराना आता है। मैंने 10 साल में धरने नहीं दिए, एक भी धरना नहीं दिया, मैंने कभी कहीं धरना नहीं दिया। मैं दावे से कहता हूं आप तो सभी मेरे बात के इस बात के साक्षी हैं, कभी आपने देखा बनवारीलाल सिंगल वहां धरने पर बैठ गया, वहां धरने पर बैठ? मैं खड़ा करता था अधिकारी को, धरने पर नहीं बैठा, मैं किसी कलेक्टर के कदमों में नहीं बैठा कभी, मैं कलेक्टर को खड़ा करता था। आप बैठिए, आप खड़े होइए, जनता के काम की नौकरी आप ले रहे हैं, जनता के काम का पैसा आप ले रहे हैं, आप यहां राजा बनकर नहीं आए हैं। इस लोकतंत्र में कलेक्टर का नाम बताने की जरूरत नहीं है, कोई ताला खुल जाएगा भाई तिवाड़ी, ताले को ताला रहने दे, कुंजी को कुंजी रहने दे, क्यों खुलवाता है? जिन अधिकारियों ने भी कोशिश की गैर कानूनी तरीके से हमको जनता के काम को गलत बताने की, मैं आपको दावे से कहता हूं उन अधिकारियों को कानून भी पढ़ाया। और मैं एक बात कहता हूं, आज हमारे ही सभापति बैठे हैं, हमारे ही महापौर बैठे हैं नगर परिषद में। मित्रों जब नगर परिषद हमने 2 बार बनाई थी मुझ पर आरोप लगते थे, हमारे पार्षद सीताराम यहाँ बैठे हैं, अंजू शर्मा बैठी है, सरोज बैठी है, ये बीना बैठी है, मीरा बैठी है, एतराम बैठे हैं, ये गिरीश बैठा है, ये इतने सारे ये पार्षद रामजीलाल जी, हमारे ताऊ जी, हमारे सगे ताऊ जी रामजीलाल जी बैठे, भाई लक्की है, राजेश तिवाड़ी है, और बहुत बड़ी संख्या में पार्षद और पूर्व पार्षद हैं, ये शिव कुमार है, ये सब लोग ये देखते थे। विपक्ष के लोग 11 लोग थे, 11 थे, 11 जीते थे हमारे सामने कुल 50 में से, और वो क्या आरोप लगाते थे, इस नगर परिषद को विधायक चलाता है। अरे भाइयों कम से कम उस 10 साल में विधायक चलाता तो था, आज की तारीख में तो नगर परिषद चलती नहीं है। निश्चित रूप से हमारी पार्टी का सभापति मेयर है, लेकिन शासन किसका है? कांग्रेस का है। कांग्रेस क्या करती है? अपनी मर्जी का अधिकारी बैठा देती है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, मेरे टाइम में भी कोशिश की थी, लेकिन जब जब इन्होंने कोशिश की मैंने इनकी कोशिश विफल की, और अपने तरीके से नगर परिषद को अपने चेयरमैन के माध्यम से चलाकर इस अलवर के विकास को, इस अलवर के विकास को रथ की तरह से, हाथी की तरह से आगे बढ़ाने का जो हमने काम किया, उसके कारण से इस अलवर की तकदीर बदली। वरना लोग ये कहते थे मुझसे पहले,
क्या कहना है हमको,